फ्रेंड्स, जब आप टीवी सीरियल्स में या फिर फिल्मों में एक्टर्स को एक्टिंग करते हुए देखते होंगे तो आपके मन में ये बात जरूर आती होगी कि आखिर वो कितना कमाते होंगे, उन्हें कितना पेमेंट मिलता होगा एक्टिंग के लिए। तो आज इसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आकाश रजक और आप देख रहे हैं आर एस फिल्म्स प्रोडक्शन। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि एक्टर्स को कितना पेमेंट मिलता है उनकी एक्टिंग के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जूनियर आर्टिस्ट की। जूनियर आर्टिस्ट वो होते हैं जो फिल्मों में क्राउड के रूप में काम करते हैं। जैसे अगर कोई रेस्टोरेंट का सीन है तो जो मेन एक्टर्स है उनके अलावा भी जो साइड के टेबल्स में बैठे हुए रहते हैं तो वो जो है वो जूनियर आर्टिस्ट रहते हैं। फिर अगर कोई हॉस्पिटल का सीन है तो उसमें जो नर्सेज होती है या फिर जो वार्ड बॉय होते हैं जो व्हीलचेयर को इधर से उधर ले जाते हैं तो वो सब भी जूनियर आर्टिस्ट ही होते हैं। उनकी पेमेंट जो है वो पर डे के हिसाब से अगर देखी जाए तो लगभग 1000 रुपीज़ होती है। एक शिफ्ट के उन्हें लगभग 1000 रुपीज़ मिलते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट की। कैरेक्टर आर्टिस्ट वो होते हैं जिन्हें टीवी सीरियल्स में या फिल्मों में कुछ दिनों के लिए काम मिलता है, जैसे हफ्ते भर के लिए हो सकता है या महीने भर के लिए हो सकता है। तो इसके लिए उन्हें एग्रीमेंट साइन करनी पड़ती है और इसके लिए उन्हें जनरली 2500 से 3000 रुपये पर डे के हिसाब से दी जाती है। पर यहाँ पर एक बात है फ्रेंड्स, कैरेक्टर आर्टिस्ट की जो पेमेंट है वो 90 डेज़ के बाद उन्हें मिलती है। जैसे अगर आज किसी कैरेक्टर आर्टिस्ट ने किसी सीरियल में काम किया तो उन्हें जनरली 90 डेज़ के बाद उनकी पेमेंट मिलेगी। अब इसके बाद बात करते हैं लीड एक्टर्स के बारे में। टीवी सीरियल्स की एक्टर्स की अगर बात की जाए तो जनरली उन्हें 20,000 से लेकर 1.5 लाख तक की अमाउंट मिलती है। वो डिपेंड करता है कि एक्टर जो है वो कितना फेमस है, कितना एक्सपीरियंस है उसे, कितने सीरियल्स में वो काम कर चुके हैं। अब अगर फिल्मों की बात की जाए तो यहाँ पर टीवी सीरियल्स से जो पेमेंट मिलती है एक्टर्स को और फिल्मों से जो पेमेंट मिलती है एक्टर को, उनमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। क्योंकि फिल्मों में जो एक्टर्स होते हैं उन्हें 1 लाख से लेकर के 2 करोड़, 3 करोड़ इतना भी अमाउंट मिलता है। अब अगर किसी एक्टर ने अपनी पहचान बना ली, वो फेमस हो गया, तो वो अपनी फीस खुद रख सकता है और उसके अनुसार वो फिल्म में काम कर सकता है। कुछ बड़े बड़े एक्टर्स ऐसे होते हैं जो फिल्मों के प्रॉफिट में शेयरिंग लेते हैं, जैसे अक्षय कुमार जी हो गए, आमिर खान जी हो गए। तो ये लोग क्या करते हैं, फिल्म रिलीज होने के बाद जब फिल्म की प्रॉफिट आती है तो उस प्रॉफिट में वो शेयर लेते हैं। तो ये शेयरिंग जो है वो 50-50 के रेशियो में भी हो सकती है या 60-40 के भी रेशियो में हो सकती है। फ्रेंड्स, जो टीवी सीरियल्स है और जो फिल्में हैं इनमें जो पेमेंट का मेथड है थोड़ा डिफरेंट होता है। एक्टर्स के लिए अगर देखा जाए तो टीवी सीरियल्स के मुकाबले फिल्मों में ज़्यादा पैसा है। सो फ्रेंड्स, आज आपने जाना कि एक्टर्स जो है वो अपने सीरियल से या फिर फिल्म से कितना कमाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो की अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए बाय बाय।